हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एजुकेटर। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाके उसे जरूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सब इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेकिंग कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो सेशन में स्टार्ट करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक पैथोजेंस विच कॉजेस डिजीज इन ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट। तो यहाँ पे हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारा डिटेल पढ़ेंगे, वो कैसे ट्रांसमिट होता है, उसका कौन कौन सा डिजीज है, तो ये सारे चीज पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग देन वी विल लर्न अबाउट फूड पॉइजनिंग। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में, तो आप लोग सुनते होंगे फूड पॉइजनिंग। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फूड प्रिजर्वेशन, तो कैसे हम लोग किसी फूड को प्रिजर्व करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, किसी चीज को सेफली उसको रखते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए फूड को। तो यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे एंड फाइनली वी विल लर्न अबाउट द व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है हम लोग का, और यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल। उसके बाद लास्ट टॉपिक में व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक पे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यहाँ पे हम लोग का है, तो इस पूरा नोट्स का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो बी हार्मफुल टू अस। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बेनिफिट का देखे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, अब यहाँ पे हार्मफुल देख रहे हैं। Some microorganisms cause disease in plant, animal, human. These microorganisms are called pathogens. तो इसको हम लोग pathogens कहते हैं, जो कि plant, animal और human में पाया जाता है microorganism. उसे क्या कहते हैं हम लोग, pathogens बोलते हैं। Some microorganisms spoil food, clothing, leather. और कुछ microorganisms spoil करते हैं food को, खाना को सराते हैं clothing और leather में, हम लोग को कुछ poison ये लगता है microorganism. अब यहाँ पे हम लोग को समझना होगा व्हाट आर पैथोजेंस। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काउज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैथोजेन। तो ऐसा डिजीज, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे काउज होता है, डिजीज होता है इन ह्यूमन बीइंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैथोजेन। तो यहाँ पे हम लोग उसका देख सकते हैं वैरायटी ऑफ पैथोजेंस है, यहाँ पे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, तो ये सब हम लोग का टाइप्स ऑफ पैथोजेंस है। एग्जाम्पल सम वायरस कॉजेस पोलियो, चिकन पॉक्स, तो कुछ हम लोग के एग्जाम्पल है जो पोलियो और चिकन पॉक्स होता है, तो ये हार्मफुल। और भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे डिजीज काउज बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका डिजीज देखेंगे जो कि हम लोग के ह्यूमन में हम लोग का होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिजीज, तो इसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्लांट का देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन काउज डिजीज काउज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम लोग फिर पढ़ेंगे एनिमल के बारे में। तो सबसे पहला है देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिजीज काउज बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। पहला बैक्टीरिया, तो उससे क्या क्या डिजीज होता है हम लोग को, तो क्लोरा होता है, फिर यहाँ पे टाइफाइड होता है, टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस, फंगी से हम लोग का रिंगवर्म होता है और एथलीट्स फूड होता है, फिर प्रोटोजोआ से क्या होता है, डायसेंट्री होता है और मलेरिया होता है, और अल्गी से हम लोग का कुछ नहीं होता अल्गी से, और वायरस से हम लोग का पोलियो, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस एड्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है और यहाँ पे उसका डिजीज है। ये सब किसमें आते हैं, ये सब पैथोजेंस में आते हैं। तो आई होप धीरे धीरे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं सम डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, can be spread through air, water, food, physical contact. Such diseases are called communicable disease. तो ऐसा disease जो एक से दूसरे में transfer होता है, infected होता है, जैसे यहाँ पे किसी दो आदमी से, एक आदमी से दो आदमी में फैलना, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल क्लोरा, कोल्ड, चिकन पॉक्स, तो ये सब हम लोग को एक दूसरे के आदमी से ट्रांसफर होता है। दे कैन बी स्प्रेड थ्रू एयर, तो ये हम लोग स्प्रेड होता है एयर में, वाटर में, फूड में, फिजिकल कॉन्टैक्ट में, किसी के छूने से यहाँ पे, या एयर में हम लोग को काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे ट्रांसफर होता है, उसे क्या कहते हैं, वाटर में, फूड में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल तो यहाँ पे है। अब हाउ डू पैथोजेंस काउज कॉम्युनिकेबल डिजीज, अब ये हम लोग को कैसे पैथोजेंस
काउज करता है कम्युनिकेबल डिजीज में. देखिए, व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड स्नीजेस ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर आर स्प्रेड इन एयर. दिस ड्रॉप्स कंटेन्स थाउजेंड ऑफ वायरस. व्हेन इट रीचेस हेल्दी पर्सन ही गेट्स इन्फेक्टेड. दिस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड बाई फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं, जब एक पर्सन सफरिंग होता है इस वायरस से, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उस वो जब स्नीज करता है तो उससे थाउजेंड ऑफ वायरस स्प्रेड होता है इन एयर. दीज ड्रॉप्स कंटेन थाउजेंड ऑफ, एक ही ड्रॉप में हम लोग का बहुत सारा ड्रॉप होता है, इसमें हर एक ड्रॉप में थाउजेंड ऑफ वायरसेस होता है, जिससे वो हेल्दी पर्सन के कॉन्टेक्ट में एयर के द्वारा आता है, उससे ये हम लोग का स्प्रेड होता है, ये इन्फेक्शन यहाँ पे हम लोग को एक दूसरे से ट्रांसफर होता है. दीज आर कॉल्ड स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे हम लोग का इसको समझते हैं, पहला तो हम लोग का है फिजिकल कॉन्टैक्ट, दूसरा हम लोग का वाटर से होता है, कोई भी वाटर इन्फेक्टेड वाटर रहेगा उसको हम लोग ड्रिंक कर लेते हैं तो इससे हम लोग को हो जाता है. फिर यहाँ पे फूड, अब देखिए यहाँ फूड में भी बहुत सारा वायरसेस आ सकता है. ईटिंग फूड फ्रॉम सेम यूटेंसिल्स, तो एक ही यूटेंसिल्स एक ही बर्तन में खाना, जो वायरस वाला बर्तन, इससे हम लोग का स्प्रेड हो सकता है. तो ये सब हम लोग का है. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में. देखिए, What are carriers of disease-causing microbes? अब यहाँ पे some insect and animal carry harmful microorganism pathogens on them. तो कुछ insect और कुछ animal होते हैं, वो carry करते हैं harmful microorganism. अब देखिए इसको on them. Example house fly. अब देखते होंगे house fly को, मक्खी को जिसको बोलते हैं हिंदी में. तो ये हम लोग को harmful microorganism carry करते हैं. जैसे देखिए, they sit on garbage and waste. वो अधिकतर हाउसफ्लाई कहाँ रहते हैं, गार्बेज और वेस्ट में. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी. व्हेन दे लेटर सिट ऑन फूड, दे ड्रॉप दिस पैथोजन्स ऑन फूड. व्हेन पर्सन ईट दिस फूड, पैथोजन एंटर बॉडी एंड काउजेस डिजीज. अब वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्टिक होते हैं बॉडी में और जो लेटर वो सिट होते हैं, वो बैठते हैं खाने पे और उसके ड्रॉप पैथोजन्स आ जाते हैं फूड में, उससे हम लोग का पर्सन जो इन्फेक्ट हो सकता है, वो फूड में हम लोग को इसमें हम लोग आ सकता है पैथोजेंस, इसकी वजह से हम लोग के बॉडी में उसको खाने के बाद हम लोग को आ सकता है हार्मफुल डिजीज. तो ये हम लोग का होता है. तो यहाँ पे हाउसफ्लाई से भी होता है, यहाँ पे मस्किटो. अब मस्किटो देखते हैं, मस्किटो काउज डिजीज लाइक मलेरिया और डेंगू. तो आप लोग सुनते होंगे कि मस्किटो मच्छर काटने से आप लोग को डेंगू या मलेरिया हो गया है. तो ये है यहाँ पे हम लोग का, ये भी हम लोग का वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी करता है. फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. तो फीमेल एड्स होते हैं वो मॉस्किटो, वो एक्ट करते हैं, वो काटने पे हम लोग का डेंगू और डेंगू वायरस होता है. और फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट, जिसे बोलते हैं, जिसे प्लासोडियम कहते हैं. और when they bite human being, they transfer this virus parasite in human being, causes disease. तो यहाँ पे फीमेल एड्स कैरी करते हैं डेंगू, तो यहाँ पे याद रखिएगा. और फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो कैरी करते हैं मलेरिया, पैरा मलेरिया. तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इससे हम लोग को डिजीज ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे से, ये सब इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं. अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए. अब यहाँ पे हम लोग का डिजीज नेम है मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, कोलेरा और टाइफाइड. अब देखिए यहाँ पे कॉज्ड बाय, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, इट इज ट्रांसफर बाय मॉस्किटो. तो मलेरिया में क्या रहता है, इसमें हम लोग का प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी चार पार्ट थे, तो आप लोग को याद होगा प्रोटोजोआ, फंगी और दो हम लोग के और थे वायरस. तो ये सब थे. तो यहाँ पे ये हम लोग का हाउ टू प्रिवेंट ह्यूज मस्किटोज ग्रो. तो यहाँ पे हम लोग का हाउ टू प्रिवेंट काउज्ड बाय डिजीज नेम है. तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे हम लोग मलेरिया से बच सके. तो यहाँ पे हम लोग को ह्यूज मस्किटोज स्प्रे आता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, काला हिट, ब्लैक हिट बोलते हैं. डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट सो डैट मस्किटो डू नॉट ब्रीड. तो यहाँ पे अपने घर के आसपास कभी वाटर को कलेक्ट होने ना दे, जिससे मस्किटो अपना ब्रीड ना बढ़ा सके. यूज मस्किटो नेट व्हेन स्लीपिंग, और मच्छरदानी का यूज करें स्लीपिंग सोने के टाइम. कीप सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, और आपके सराउंडिंग में हर चीज सूखा रखें और क्लीन रखें. अब डेंगू का, इट इज कॉज्ड बाय वायरस, इट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो.
और डेंगू का भी सेम प्रिवेंट है कि इट इज कॉज्ड बाय वायरस, और उसमें वायरस रहता है और ये काटने से हो जाता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस ए दे आर कॉज्ड बाय वायरस, तो ये हम लोग का वायरस होता है, और हेपेटाइटिस बी होता है दे आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर। अब देखिए ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, बॉइलिंग किल्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को हेपेटाइटिस सी में यहाँ पे बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना है जिससे बॉइलिंग किल्स, तो बॉइलिंग वाटर हम लोग का किल्स करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और वैक्सीनेशन शुड बी डन। तो काफी सारे हम लोग को वैक्सीनेशन उपलब्ध है हर कंट्री में, तो वहां से आप लोग लगवा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कोलेरा एंड टाइफाइड दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो ये हम लोग का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से हम लोग को होता है। टाइफाइड इज ट्रांसमिटेड बाय वाटर, तो ये हम लोग को सुनते हैं किसी को टाइफाइड हो गया तो वहां पे हम लोग का सबसे ज्यादा बैड क्वालिटी ऑफ वाटर वो पी रहा होगा, तो इसी कारण ये हम लोग का वाटर से अधिकतर यहाँ पे इंडिया में देखा गया है कि टाइफाइड हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे वाटर काफी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इसी कारण। देखिए यहाँ पे क्लोरा इज ट्रांसमिटेड बाय बोथ फूड एंड वाटर, तो दोनों चीज से मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन, तो खुद का पर्सनल हाइजीन आप लोग अच्छा रखें, बॉइल्ड वाटर आप लोग पिए जिससे बॉइल्ड वाटर से काफी ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ईट प्रॉपरली चोक्ड फूड, और यहाँ पे सॉरी कुक्ड फूड, और यहाँ पे अच्छी तरीके से कुक्ड फूड को खाए आप लोग। अब आते हैं ट्यूबरक्लोसिस, दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड बाय एयर, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो कॉज होता है बैक्टीरिया से और वो हवा के द्वारा ट्रांसमिट होता है। फिर यहां पे देखिए मैसिलस दे आर कॉज्ड बाय वायरस ट्रांसमिटेड बाय एयर, तो ये सब हम लोग का डिजीज है। फिर चिकन पॉक्स आप लोग सुनते होंगे, दे आर कॉज्ड बाय वायरस ट्रांसमिटेड बाय एयर और बाय कॉन्टैक्ट, तो काफी ज्यादा ये ट्रांसमिटेड बाय एयर भी होता है और बाय कॉन्टैक्ट से वायरस है। पोलियो दे आर कॉज्ड बाय वायरस ट्रांसमिटेड बाय एयर और बाय वाटर, इट इज कम्युनिकेबल डिजीज, सो कीप पेशेंट्स इन आइसोलेशन, कीप बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट्स सेपरेट, और वैक्सीनेशन शुड आल्सो बी गिवन। तो यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, अब आते हैं नेक्स्ट में। आवर डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ह्यूमन का देख चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रांसमिट करता है उसका देख चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग प्लांट का देखेंगे कि प्लांट का कौन कौन सा डिजीज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब देखिए यहाँ पे डिजीज नेम है एंथ्रेक्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सब डिजीज का नेम है और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर यहाँ पे फोक एंड माउथ डिजीज है जो वायरस होता है। फिर एस्पर गिलोसिस डिजीज जो फंगस होता है। देखिए फूट एंड माउथ डिजीज आर एंथ्रेक्स आर द डिजीज विच आर फाउंड इन कैटल, और ये जो फूट और माउथ डिजीज होता है जो वो कहाँ पाया जाता है, वो इन कैटल में पाया जाता है। वाइल एस्पर गिलोसिस डिजीज इज फाउंड इन पोलेट्री बर्ड्स, तो ये हम लोग का पोलेट्री बर्ड्स में पाया जाता है। अब यहाँ पे डिजीज कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट देखते हैं, पीछे हम लोग का क्या था एनिमल था, अब यहाँ पे हम लोग का प्लांट है। देखिए सिट्रस कैंकर ये डिजीज नेम है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है और ट्रांसमिटेड बाय एयर होता है, तो प्लांट में भी हम लोग का एयर से यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। फिर रस्ट ऑफ वीट, क्योंकि यहाँ पे प्लांट तो कॉन्टेक्ट में ज्यादातर रहता नहीं क्योंकि एयर से ये होता है, रस्ट ऑफ वीट फंगी एयर सीड्स। फिर यहाँ पे येलो विन मोसेक ऑफ लेडी फिंगर ओकरा भिंडी वायरस इंसेक्ट, तो ये हम लोग का देखिए ये एक डिजीज का फोटो है, देखिए ये हम लोग का डिजीज का फोटो है जो कि येलो वेन है ऑफ लेडी फिंगर, देखिए लेडी फिंगर है इसमें येलो वेन है, ये हम लोग का एक तरह का प्लांट का डिजीज है। तो यहाँ से आप लोग अप्रॉक्स देख सकते किस तरह का प्लांट डिजीज होता है, एनिमल डिजीज तो आप लोग का बताइए, ये प्लांट का डिजीज होता है। देखिए फिर यहाँ पे समरी ऑफ डिफरेंट डिजीज कॉज्ड इन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमंस, हाँ अब यहाँ पे कुछ समरी देख लेते हैं जो कि हम लोग का डिजीज कॉज इन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन का। अब देखिए बैक्टीरिया से ह्यूमन को क्या होता है क्लोरा टाइफाइड टीबी होता है जो अभी देखे थे, फिर एनिमल को क्या होता है बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स होता है, प्लांट को सिट्रस कैंकर होता है, फिर फंगी से ह्यूमन को कुछ नहीं होता, एनिमल को कुछ नहीं होता, और प्लांट को रस्ट ऑफ वीट होता है, प्रोटोजोआ को मलेरिया होता है, फिर एल्गी से कुछ नहीं होता है, वायरस से हम लोग का पोलियो चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस होता है। तो ये सब हम लोग को पूछा जाता है एग्जाम में काफी ज्यादा एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ये सब आप लोग को थोड़ा थोड़ा कवर करके याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे वायरस में पोलियो चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस, फिर एनिमल में फूट एंड माउथ डिजीज, प्लांट में हम लोग का येलो वेन मोसेक ऑफ लेडी फिंगर जो देखे थे भी। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा क्या होता है, ये कैसे ट्रांसमिट करता है, कौन कौन सा डिजीज है, कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम और उसका टिकाउज होता है और कैसे प्रिवेंट किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग होता क्या है इसे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अब ये हम लोग का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो होता है फूड पे, जो हम लोग फूड पे ग्रो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और बहुत बार ये समटाइम्स हम लोग का उस फूड पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस ये हम लोग का ग्रो करवा देता है, हो जाता है, जिससे दिस मेक फूड पॉइजनस। तो आप लोग सुनते होंगे कि ज्यादातर ये हम लोग का बाहर के खाना खाने से हम लोग का फूड पॉइजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर के खाने में ज्यादा ये अनप्योर रहता है, अनहाइजीन रहता है, जिससे यहाँ पे हम लोग का ग्रो हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस कैन काउज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो ये हम लोग का काफी ज्यादा इलनेस, काफी ज्यादा ये आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे स्टोमक में काफी ज्यादा पेन होता है, जिससे आप लोग का इवन डेथ भी हो सकता है 1-2%। अब देखिए यहाँ पे फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, ओवर प्रोडक्ट, ओवर ड्यू प्रोडक्ट, मतलब बहुत ही 2-3 दिन का खाना, फिर यहाँ पे मेडिसिन डिजीनेस, ये हम लोग का डायरिया, हेडेक, ये सब हम लोग का होने लगता है फूड पॉइजनिंग में। अब यहाँ पे देखिए आपको चक्कर आएगा, हेडेक होगा, डायरिया मतलब आपको लूज मोशन होगा, फिर यहाँ पे हम लोग का पेट में काफी ज्यादा दर्द होगा। तो ये सब होता है। फिर यहाँ पे कैसे बच सके इसको, फूड पॉइजनिंग प्रिवेंशन, तो कुछ हम लोग को समझ लेते हैं। कुक टू ए सेफ टेम्परेचर, तो आप लोग को सेफ टेम्परेचर में कुक करना है, ना ही ज्यादा आप लोग को जल्दी कर लेना है कच्चा करना, ना ही आपको ज्यादा भी इसको हीट कर पकाना है। तो यहाँ पे अवॉइड हीटिंग स्पॉइल्ड ऑन एक्सपायर्ड फूड, तो आप लोग को एक्सपायर फूड खाने से अवॉइड करना है। सेपरेट रॉ मीट फ्रॉम अदर फूड, तो काफी बार ये भी होता है कि रॉ मीट और अदर मीट, जैसे यहाँ पे हम लोग को मिल्क खाते हैं खाने के समय, आप लोग को मीट नहीं खाना, मिल्क प्रोडक्ट खाने के समय आप लोग को मीट प्रोडक्ट नहीं खाना है, क्योंकि ये दोनों का रिएक्शन काफी ज्यादा होता है। फिर यहाँ पे अच्छी तरीका से वॉश करना है वेजिटेबल को, वॉश हैंड करना है। सिम्टम्स क्या क्या होगा, फीवर आएगा, वोमिटिंग होगा, डिजीनेस होगा, चक्कर आएगा, डायरिया, लूज मोशन होगा, हेडेक होगा, और यहाँ पे आप लोग को एब्डोमिनल पेन होगा, काफी ज्यादा पेट होगा पेट में। ट्रीटमेंट क्या है, हॉस्पिटल आप लोग जल्दी से जल्दी हो सके, मेडिसिन हो गया, ड्रिंक फ्लूइड हो गया, और डिट्रेस, तो आप लोग को ट्रीटमेंट में हम लोग काफी ज्यादा पानी पीना होगा, ड्रिंक फ्लूइड, खाना नहीं खाना होगा, मेडिसिन और हॉस्पिटल जाना होगा। तो ये सब हम लोग का फूड पॉइजनिंग है। अब आते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। देखिए यहाँ पे व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, इट मींस प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग एंड गेटिंग रोटेन। देखिए इट मींस प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग एंड गेटिंग रोटेन, हाउ टू प्रिजर्व फूड बाय डिफरेंट वे। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि फूड को प्रिजर्व करना, जिससे वो फूड खराब ना हो सके ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा टाइम तक रहना उसको खराब ना हो सके, स्पॉइलिंग और गेटिंग रोटेन। तो फूड प्रिजर्वेशन यहाँ से क्लियर हो चुका है कि फूड को प्रिजर्व करके रखना, उसको संभाल के रखना लॉन्ग टाइम के लिए, कि और सड़ ना सके। हाउ टू प्रिजर्व फूड बाय डिफरेंट मेथड, तो काफी सारा मेथड है फूड को प्रिजर्व करना लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसको देखते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, तो यहाँ पे काफी अच्छा एग्जाम्पल है सॉल्ट का। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड ऑन मीट and fish to prevent growth of bacteria. Common salt is also used to preserve fruit and such as raw mangoes, lemon and amla. तो यहाँ पे हम लोग salt के वजह से meat और fish को इसका prevent कर सकते हैं growth of bacteria. तो आप लोग किसी meat को salt के बीच में रख लीजिएगा, fish को रख लीजिएगा, तो काफी ज्यादा ये bacteria growth नहीं हो पाता है। और यहाँ पे also fruit को भी आप रख सकते हैं, raw mango और lemon और amla को भी salt के पास रख सकते हैं, जिससे ये बचा रहेगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे, ये हम लोग का प्रिजर्वेशन है अचार का, तो इस तरीके से काफी टाइम चलता है। देखिए आप लोग प्रिजर्वेशन बाय सुगर, इट इज यूज इन केस ऑफ जैम, स्क्वैश एंड जेलीज, ये हम लोग का है। हाँ, तो यहां पे हम लोग फोटो देख रहे हैं, प्रिजर्वेशन बाय सुगर है। It is used in case of jam, squash and jellies. Fruit that are preserved in the form of jam and jellies are apple, mango, strawberry, guava, orange, etc. Sugar reduces moisture, so bacteria cannot grow. तो sugar क्या करता है हम लोग को उसको बगल में रखने में, तो ये moisture हम लोग को क्या करता है, बहुत ही कम कर देता है, जिससे वो grow नहीं कर पाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर आते हैं हम लोग प्रिजर्वेशन बाई ऑयल एंड विनेगर।
अब इसका हम लोग देख सकते हैं, यहां पे भी देख सकते हैं हम लोग, इट इज यूज इन केस ऑफ पिकल्स टू प्रिजर्व फ्रूट एंड सच एस रॉ मैंगोज लेमन्स लेमन्स, इट इज ऑल्सो प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसको हम लोग अधिकतर ये किस में पिकल्स के यूज में हम लोग यूज करते हैं, ऑयल एंड विनेगर। तो ये हम लोग को ऑयल एंड विनेगर में रखा गया है, अचार को ऑयल और विनेगर में रखते हैं जिससे हम लोग को ये बचा रहता है। फिर हीट ट्रीटमेंट, मिल्क इज बॉइल्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दैट मिल्क लास्ट लॉन्गर। तो हम लोग मिल्क, हम लोग जब भी हम लोग मिल्क को हम लोग रॉ मिल्क लाते हैं तो उसको हम लोग जरूर आप लोग देखते होंगे घर में कि इसको बॉइल किया जाता है। इससे हम लोग को जो भी हम लोग का मिल्क में बहुत सारे जो वायरस बैक्टीरिया रहते हैं उसको हम लोग किल कर सके अच्छी तरीका से, इसी कारण हम लोग इसको एक बार बॉइल करते हैं तब उसके बाद यूज करते हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट, अब कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो फ्रीज होता है उसमें काफी दिन तक सामान रहता है। फूड इज स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, दिस प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट ग्रो इन कोल्ड टेम्परेचर। तो कोल्ड टेम्परेचर में आप लोग को बताइए फ्रीज में हम लोग कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर पाता, इसे काफी दिन तक रहता है। फिर स्टोरिंग एंड पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स, तो यहाँ पे स्टोरिंग एंड एयर टाइट कंटेनर, तो यहाँ पे ऐसा कंटेनर जिसमें एयर ना जा सके उसमें हम लोग करते हैं। दिस इज डन इन एयर टाइट कंटेनर सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रीच, उसके पास ना जाके फूड थ्रू एयर। यहां से क्लियर हो गया। अब आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इन द एयर टू नाइट्रोजन कंपाउंड व्हिच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना नाइट्रोजन हेल्प नाइट्रोजन कंपाउंड बना के उसको कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन एयर से कन्वर्ट करके नाइट्रोजन कंपाउंड बनाना जिससे वो हेल्प कर सके प्लांट को ग्रो होने में। तो प्लांट को अधिकतर नाइट्रोजन चाहिए जिससे उसका प्लांट जल्दी ग्रो कर सके, और सॉइल को भी हम लोग को नाइट्रोजन चाहिए जिससे फर्टाइल सॉइल हो सके। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर यूज्ड बाय प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। तो ये हम लोग का पता यहाँ पे है, ये यूज होता है नाइट्रोजन कंपाउंड जिससे प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन के लिए। द नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है, तो सॉइल में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है इन द सॉइल जिसका नाम इसको एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया विच लिव इन रूट नेड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीस। तो ये हम लोग का कुछ कुछ प्लांट में ये रूट्स में रहता है लेगुमिनस, क्या बोलते हैं इसको, लेगुमिनस बोलते हैं, नोडल ऑफ लेगुमिनस प्लांट मतलब उसके रूट में रहता है जिसमें एग्जाम्पल बीन्स एंड पीज है, बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में भी रहता है बाय लाइटनिंग, और ये लाइटनिंग से भी होता है। बट इफ वी यूज द नाइट्रोजन इन द एयर टू मेक कंपाउंड्स देन शुडंट द नाइट्रोजन इन द एयर बी रिड्यूस, बट नाइट्रोजन इन द एयर इज कॉन्स्टेंट इज ए कॉन्स्टेंट ड्यू टू नाइट्रोजन साइकिल। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन तो समझ गया, ये होता क्या है, नाइट्रोजन एयर से उसको कंपाउंड बनाया जाता है बाय नेचुरल प्रोसेस, तो ये होता है उसको अब नाइट्रोजन साइकिल समझेंगे। ये हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन साइकिल समझेंगे क्या होता है, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो इससे आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब समझते हैं, देखिए नाइट्रोजन साइकिल, देखिए ये हम लोग का साइकिल है जिसको इंपॉर्टेंट समझना है। अब देखिए यहाँ पे एयर में हम लोग का कितना है, एयर में हम लोग का है 78%, कितना है 78% है हम लोग का नाइट्रोजन है इन एटमॉस्फेयर। अब यही नाइट्रोजन हम लोग का इस तरीका से हम लोग का साइकिल बनता है जिससे, देखिए समझते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेयर है 78% ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गेट्स फिक्स बाय राइजोबियम बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे हम लोग का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग का एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है और यहाँ पे हम लोग का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसका हम लोग एग्जाम्पल है राइजो, क्या है राइजोबियम बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाता है, उसको क्या करता है यहाँ से हम लोग को कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे एक लाइटनिंग भी देखे थे हम लोग, लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी से भी होता है। अब देखिए नोट, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन रूट्स ऑफ पी प्लांट लेगुमिनस प्लांट व्हिच कन्वर्ट नाइट्रोजन इन एयर इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये हम लोग का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम कहाँ रहता है,
ये रहता है रूट्स के, रहता है नोड्यूल्स में रहता है, जिसे नोड्यूल्स ऑफ लिगोमिनस बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है न्यूट्रिएंट्स। दस नाइट्रोजन इन एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड व्हिच आर न्यूट्रिएंट फॉर द सॉइल। जो अब देखिए वही नाइट्रोजन एयर कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, जो कि वो न्यूट्रिशन रहता है सॉइल के लिए, काफी ज्यादा वो न्यूट्रिट रहता है। अब यहाँ पे देखिए प्लांट टेक नाइट्रोजन कंज्यूम दिस नाइट्रोजन। अब प्लांट इसको कंज्यूम करता है नाइट्रोजन को। अब यहां पे समझिए एनिमल एट, इसको यहां पर देता हाँ। अब देखिए यहां पे एनिमल एट प्लांट्स, एनिमल इट्स प्लांट एंड गेट नाइट्रोजन, बोथ प्लांट एंड एनिमल डाई एक्सक्रीट वेस्ट, बैक्टीरिया कन्वर्ट द वेस्ट इनटू नाइट्रोजन एयर। अब देखिए ये जो एनिमल होते हैं वो प्लांट एंड वो खाते हैं प्लांट्स को एंड गेट नाइट्रोजन, बोथ प्लांट एंड एनिमल डाई एक्सक्रीट वेस्ट, बैक्टीरिया कन्वर्ट द वेस्ट इनटू नाइट्रोजन एयर। अब जो वो हम लोग देखिए जो जो हम लोग का जो एनिमल होते हैं वो हम लोग के प्लांट खाते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, और वो अपना कंप्लीट करके साइकिल वो डेथ हो जाता है, तो उसमें हम लोग का क्या होता है, इस एनिमल में नाइट्रोजन होता है और ये हम लोग का बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है एक्सक्रीट वेस्ट बैक्टीरिया, और जो उसका वेस्ट होता है एनिमल का उसमें हम लोग का बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द वेस्ट इनटू नाइट्रोजन एयर, और इसका जो वेस्ट होता है जो भी हम लोग का इस काउ का वेस्ट है वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन एयर में, नाइट्रोजन गोज बैक टू एटमॉस्फेयर एंड साइकिल इज रिप्रेजेंटेड। तो ये हम लोग का नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होता है, फिर यहाँ पे हम लोग का एक साइकिल हम लोग का हो जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये नाइट्रोजन कितना नाइट्रोजन साइकिल। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से हम लोग फिगर समझ सकते हैं, पहले हम लोग एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिर यहाँ पे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया फलता है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन देता है सॉइल को, और यहाँ पे डी नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है जो कि ये हम लोग का एयर में यहाँ पे हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग का दो तरह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होता है और डी नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो कि हम लोग का एटमोस्फेयर में छोड़ देता है नाइट्रोजन को। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो ये चैप्टर हम लोग का चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है क्लास 8 साइंस का। तो जय हिंद जय भारत।